हमारे साथ जुड़े रहने के लिए IBN9 न्यूज को सब्सक्राइब करें। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। कोरोना महामारी की शुरुआत में खजराना से जिस तरह से पॉजिटिव मरीजों की तादाद रही थी, प्रशासन चिंतित था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस मुश्किल की घड़ी में सूझबूझ से काम लिया, लोगों को समझाइश दी, नतीजा निकला। धीरे धीरे खजराना कोरोना पॉजिटिव से मुक्त हो रहा है। यही वजह है कि जनता पुलिस प्रशासन की तारीफ करते नहीं थक रही है। जगह जगह पुलिस का स्वागत किया जा रहा है। ऐसा ही नज़ारा खजराना गोया रोड से गणेश मंदिर तक देखने को मिला, जहां DIG हरि नारायण चारी, SP यूसुफ कुरैशी, एडिशनल SP राजेश रघुवंशी, CSP SK तोमर, खजराना थाना प्रभारी अजीत सिंह बेस और थाना स्टाफ के साथ साथ CRPF के जवानों का जोरदार स्वागत किया गया। उस्मान पटेल के घर से स्वागत शुरू हुआ, जो इमामवाड़ा होते हुए पीपल चौक से खजराना गणेश मंदिर तक लोगों ने फूलों के साथ तालियों की भी बौछार की। DIG हरि नारायण चारी ने कहा कि इस मुसीबत में सिर्फ पुलिस ही नहीं, जनता ने भी पूरा साथ दिया है। जनता ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया, यही वजह है कि हम इस बीमारी पर काबू पा सके। आगे भी पुलिस प्रशासन जनता के साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करेगी। सर, खजराना में आज जो भव्य स्वागत हुआ पुलिस प्रशासन का, क्या कहेंगे इसके बारे में? मुख्ता, आज खजराना में पुलिस बल ने, पूरे बल ने रूट मार्च किया, पैदल मार्च किया और लगभग हर गलियों में जा कर के वहाँ से सभी लोग गुजरे। मुख्य तौर पर इसमें लोगों का उत्साह जो था अपने मुख्य छज्जों से और वो था, वो काफ़ी स्वागत योग्य था। बहरहाल सबको समझाई दी गई कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और लोगों में पुलिस बल को देख करके मुझे काफ़ी उत्साह दिखा। सर, आज जो घराना में लेग मार्च निकाला गया, जगह जगह यहाँ पर पुलिस की हौसला अफजाई के लिए इकबाल किया गया, स्वागत किया गया। साथ ही घराना के जो PI संतोष सिंह यादव है, उनको भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ गई थी, वो स्वस्थ हैं। तो उस संबंध में वो कब चार्ज लेंगे और यहाँ पर जो स्वागत किया संबंध में आपको? नहीं, हम जानते हैं कि इस क्षेत्र के जो थाना प्रभारी थे स्वयं वो भी कोरोना से संक्रमित हो चुके थे, लेकिन अंततः वो कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जल्द ही यहाँ का फिर चार्ज ही लेंगे। साथ ही साथ मुख्य तौर पर लोगों का जो गेस्चर था, जो पुलिस बल को देख करके जब ये पैदल मार्च चल रहा था, रूट मार्च हो रहा था, जिसमें सारे यहाँ के अधिकारी भी सम्मिलित थे और हर गली में लगभग उधर से गुजरे, उसमें लोगों का गेस्चर था, वो काफ़ी स्वागत योग्य था। इसलिए खजराना के लोगों में जो उत्साह और जिस तरीके से उनमें एक जज्बा दिखाई दिया, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, लॉकडाउन के दिनों के अंदर एकदम से खजराना के अंदर पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा। अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, अभी बीच में 10 दिन तक कोई मरीज भी नहीं आया, अभी 2-3 आए हैं। तो क्या हम समझेंगे कुछ ढील मिलेगी सर इसमें? नहीं, आप देखेंगे तो इसमें खजराना में एक पूरे लाउड हिलर की एक सीरीज है, लगभग बहुत सारे लाउड हिलर्स की, इसमें कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम है और लगातार लोगों को इस बात के लिए प्रेरित भी किया गया है। लोगों ने स्वयं भी खुद इसे बड़ी उत्साह के साथ आत्मसात किया है और बड़ी ही सख्ती से इसका पालन किया गया है इस क्षेत्र में। तो मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो उस प्रयास के कारण धीरे धीरे सबके तरफ हमारी स्वास्थ्य की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी सर्वे किया गया है, टेस्टिंग किया गया है, पुलिस की टीम ने लगातार लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। इन सारे सम्मिलित प्रयासों से और लोगों के परस्पर लोगों के सहयोग से ये हासिल हो पाया है। और जहाँ तक यहाँ चुनौती हमारे शहर में ज़्यादा है, इसमें अगले वर्तमान परिस्थिति ही अभी अगले कुछ दिनों तक चलेगी इस तरह की स्थिति में, लेकिन जल्द ही जिस तरह की स्थितियाँ सकारात्मक दिशा में बढ़ रही हैं, हम जल्द ही इस पूरे इस संक्रमण के इस युद्ध से जल्द ही हम विजयी होकर बाहर निकलेंगे। धन्यवाद। तो मैं बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।